हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का 5। तो अयान सुबह बॉटल से दूध लेता है, तो ये दूध पीने के बाद में सो गया है। इसको सुला दिया है दोबारा से, क्योंकि एक नींद लेते हैं उसके बाद ये, और फिर ये अपने टाइम पे उठेगा। जब तक ये जो बीच का टाइम होता है मेरे लिए बहुत ज़रूरी टाइम होता है, क्योंकि इसी टाइम में अपने सारे काम निपटाती हूँ। तो बस मैं आ गई हूँ थोड़ा सा अपने बाल बाल संभाल के हल्के फुल्के। और इनके ये कपड़े मैंने शाम को धो के डाले थे, तो इनको मैं थोड़ा सा पलट दे रही हूँ, ताकि इनमें जो थोड़ी बहुत कसर रह गई हो, क्योंकि ये मोटे कपड़े हैं, तो जब तक मैं काम करूँगी, जब तक इनमें हवा लग जाएगी, तो और अच्छे ये सूख जाएंगे। और ये पड़े हैं अयान के कपड़े, क्योंकि थोड़े से ही थे तो मैं स्टैंड नहीं लेके आई थी, ऐसी रात में डाल के चली गई थी। और जब तक अयान उठेंगे ना, तब तक मेरे सारे काम हो गए होंगे। अयान के नहलाने का टाइम आ जाता है, क्योंकि ये सुबह का टाइम बहुत पीसफुल टाइम होता है। मतलब वैसे बाद में जो एक घंटे में काम हो पाते हैं ना, वो इस टाइम आधे घंटे में ही हो जाते हैं, इसलिए मुझे ये समय अच्छा लगता है। और ये सब कपड़े अपने हटाने के बाद में पूरे घर में जो जहाँ यहाँ वहाँ कपड़े पड़े रहते हैं वो सब हटा देती हूँ। उसके बाद में मैं फिर लगाती हूँ पूरे घर पे झाड़ू। और ये आपको थोड़ा सा मेरा सूट अजीब लग रहा होगा, बड़ा ढीला ढाला सा पहनी हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है, तो सुबह सुबह मैं यही पहनी हुई थी। और फिर जब काम वाम कर लेंगे तब नहा धो के ठीक ठाक कपड़े पहनूंगी मैं। ये पूरे घर में झाड़ू लग गई है। और यहाँ पर भर ले रही हूँ मैं पोंछे के लिए पानी। तो अब मैं एक बार लाइज़ोल डाल के पूरे घर में अच्छे से लगा दूँगी पोंछा। तो सुबह सुबह के ऐसे ही काम मेरे शुरुआत होते हैं, सबसे पहले मैं क्लीनिंग ही करती हूँ। वैसे तो उठ के पहले अपने लिए टाइम देना चाहिए, लेकिन मेरे जब तक ये वाले काम नींद निपट जाते हैं तब तक मेरा और करने का मन नहीं रहता है। तो मैं अपने हिसाब से आगे पीछे काम करती हूँ कि कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो सबसे पहले मैं लगा लूँगी किचन में पोंछा। और किचन में रात में जब हम काम वाम करके छोड़ते हैं तो बहुत सारा कूड़ा ज़मीन में चिपक जाता है, इसलिए मुझे हाथ से हटाना पड़ा है। पर 2-3 बार जब लगाते हैं अच्छे से तब किचन साफ़ होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदी किचन ही होती है रात में। और यहाँ पर चौक से मैं गेट पे बना रही हूँ, जो सुबह सुबह ओरेंज देते हैं गेट पे, यहाँ साउथ में इसको कुछ बोलते हैं, और बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाते हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन बनाते हैं गेटों पे। तो मुझे जैसी आती थी मैंने वैसी बना दी है, फ्लावर बनाया है, और जब वो सूख जाता है तब चौक का कलर आता है। और ये क्लीनिंग का काम करने के बाद 5 मिनट मैं अपनी बालकनी में यहाँ पर ज़रूर खड़ी होती हूँ, फ्रेश हवा आती है। और ये देखिए, रात में मैंने तेल एकदम गर्म करके नारियल का तेल अपने सर पे लगाया था, क्योंकि सर दर्द की प्रॉब्लम में नारियल का तेल गर्म करके लगाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। और अभी बज गए हैं सुबह के 7। अब ये मेरा टाइम स्टार्ट हो जाता है, इस टाइम में अपने सारे काम करूँगी, ब्रश वगैरह करना, फेस क्लीन करना, नहाना धोना, ये सब काम होंगे। तो ये लीजिए, मैं नहा के आ चुकी हूँ। और नहाने के पहले जो भी काम होते हैं, जैसे कि हाथ से धोने वाले कपड़े वगैरह, अयान को नहलाना धुलाना, अयान के सुबह के जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं 3-4, वो सब, तो अयान भी मेरे साथ ही नहा धो चुका है और ये मेरे साथ करा रहा है पूजा, क्योंकि जब मैं चालीसा पढ़ती हूँ तो ये भी तालियाँ बजाता है बैठ के। और उसके बाद में ये रात में मैं बादाम भिगो के रखती हूँ, तो इसमें से 4 या 5 बादाम मैं सुबह सुबह खाती हूँ नहाने के बाद में, और जो बाकी के बचे हुए रखे हैं वो नंदनी खा लेगी। और उसके बाद मैं जा रही हूँ मशीन में कपड़े डालने के लिए, तो साथ ही साथ मैं इनको भी धोने डाल दूँ। और नहाने के बाद ही नाश्ते के लिए मैं रखा हूँ नमकीन दलिया बनने के लिए, क्योंकि दलिया बनाना बहुत इजी होता है, सुबह सुबह जल्दी बन जाता है। और भून के मैं रख लेती हूँ डिब्बे में, और बस आलू टमाटर प्याज ये सब डाल के छौंक देते हैं कुकर में, तो ये तुरंत बन जाता है। तो नाश्ते में है नमकीन दलिया, और जो शाम को बनाया था गाजर का हलवा, तो आप लोग भी आ जाइए। और कल मैं खिलाना भूल गई थी आप लोगों को, बस मैंने बोला था बहुत टेस्टी बना है, इसलिए मुझे आज याद आ गया कि आप लोगों को गाजर का हलवा खिलाना है।
और इनकी करतूत देखिए, आप लोग बोल रहे थे ना कि आपका चूल्हा कहाँ गया है, चूल्हा ये है इनके काम आता है और कहीं रखने की जगह नहीं है, तो मैंने कहा यहीं रख देते हैं ना। और ये चल रहा है इनका सुबह का वर्कआउट। अरे हाय हेलो तो कर लो थोड़ा, बस एक्सरसाइज एक्सरसाइज सुबह से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो अभी हो रहा है टाइम 9 बज रहा है सुबह का, क्योंकि आज सैटरडे है, थोड़ा सा लेट सोकर उठा हूं, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपको 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत जरूरी हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे यूजुअली इतना टाइम मिलता नहीं है 8 घंटे पूरे करने का, तो वो टाइम मैं सैटरडे संडे में कवर कर लेता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट उठा हूँ आज। तो मेरा वर्कआउट अभी हो रहा है एंड आज है एप्स करने का दिन, इसलिए एप्स कर रहा हूँ। और जैसे ये वर्कआउट से फ्री हो गए तो इनको लेके आई हूँ मैं रिलायंस फ्रेश में। तो मुझे सब्जियाँ वगैरह गाजर वाजर कुछ फ्रेश दिख नहीं रही थी, मैं तो मेन चीज़ एक चीज़ लेने आई थी, जो जिसकी रिक्वेस्ट आप लोगों की बहुत दिनों से मेरे पास आ रही थी, तो मैं उनसे वही पूछ रही। मैडम सोया आप होगा, सोया फ्रेंड्स हम लोग इस समय हैं रिलायंस फ्रेश में और सोया चाप नहीं मिला है। मैंने उधर भी पूछा है काउंटर पे, इधर भी पूछा है, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी सोया चाप बनाने की, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई है। तो आप लोग बताइए कि मैं कहाँ से जाके लाऊं, तभी मैं बना के खिला पाऊंगी। सही बात है, दो डायरेक्शन पूछ लिया, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ रह गया, उधर भी पूछ लो। कहाँ है जिस तरह से तुम बता रही हो, उधर भी पूछा है, इधर भी पूछा है, नहीं मिला है सोया चाप, सोया चंक्स है, सोया चाप नहीं है। कम ऑन आओ। नहीं, कीवी फल का ही कीमा निकल आया है, कीवी का कीमा निकल आया है। ये कीवी फल है जो कि बहुत महंगा आता है, लेकिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रहता है, इतना बिक पाता नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई। मैं वही देख रही थी कि 90 रुपये का एक पीस आता है और कीवी फल के हाल क्या हो गए हैं। यहाँ पर एक मुझे काम की चीज़ मिल गई, मोटी वाली हरी मिर्च, जो मोटी मोटी भरवा बनाई जाती है वो वाली, तो मैंने वो ख़रीद ली है, क्योंकि वो और कहीं मुझे दिखती नहीं है। और जिनके यहाँ ये खाई जाती होंगी, बनती होंगी, उन्हें पता होगा कि ये बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मोटी वाली हरी मिर्च, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। तो इनको मैंने घर पर ला के साफ़ किया है और पोंछ के इनको बीज से अच्छे से काट के, और इनके जितने एक्स्ट्रा बीज हैं इनको सबको मैंने निकाल दिया है, सारे बीज ऐसे ही निकाल दूँगी। और इसके बाद तैयार करूंगी मैं इस मिर्ची का मसाला। तो यहाँ पर मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, इसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। और आप लोग ये ऑयल की बोतल मुझसे पूछते हैं, दी आपने कहाँ से लिया, आप लोग पूछते हैं फिर मैं भूल जाती हूँ बताना, ये अमेजोन से लिए, लेकिन मुझे इसका प्राइस अब याद नहीं है कितने की है, अगर आप सर्च करोगे अमेजोन में तो मिल जाएगी। और यहाँ पर तेल के बाद मैंने थोड़ा सा हींग और जीरा और थोड़ी सी हल्दी डाली है, उसके बाद मैं डाल दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा बेसन डाला है, और बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि मिर्ची ज़्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन और डाला है। और बस इसको धीमी आंच में भूनते रहना है, और तब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी एक सुगंध खुशबू आने लगे, सौंधी सौंधी, और बीच में ही इसमें भूनते में बीच में ही थोड़ा सा मसाला डाल देना है, ज़रा सा धनिया पाउडर, ज़रा सा गरम मसाला और ज़रा सी लाल मिर्च और नमक डाल देंगे बाद में। और इन मसालों को भी भून लेना है, मसाले उस टाइम पे डालना है जब बिल्कुल बेसन भुनने वाला हो, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और उसके बाद डाल दिया है थोड़ा सा नींबू का रस खट्टे के लिए, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर और नमक, और बस इनको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे सबको मिला के। और जब तक मिर्ची का मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ कुकर में दाल बनने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल के संग मिर्ची अच्छी लगेगी, कोई भी दाल हो, अरहर की होती या मसूर की होती, उसके साथ भी ये मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर मैं आज मूंग की ही बना रही हूँ। तो मूंग की दाल के लिए हल्दी नमक डाल दिया है, तो
मसाला यहाँ पर रखे हुए ठंडा हो चुका है। अब इनको मिर्चियों में भी भर लेते हैं। तो बस मिर्चियों में जब मसाला भरना है तो थोड़ा सा हाथ से अंगूठे से अच्छे से प्रेस करते हुए भरना है, ताकि जब हम इनको फ्राई करें मिर्ची को तो ये मसाला बाहर ना निकले। इसलिए इनको दबा दबा के भरना है, और जब इनको दबा देंगे तो बेसन इनमें चिपक जाएगा, फिर ये कढ़ाई में नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर सारी मिर्चियाँ मैंने भर ली हैं, भर के तैयार कर ली हैं, और यहाँ पर धो लिए हैं थोड़े से ब्राउन राइस। ये सिर्फ इनके लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बनाते हैं तो कोई खाता नहीं है, तो बच्चे रखते रहते हैं। और फिर से मैंने उसी कढ़ाई में साफ़ करके थोड़ा सा तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो सारी मिर्चियाँ रख दी हैं उसमें, और बस इनको धीरे धीरे उलटना पुलटना है बीच बीच में आके थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो आज हमारा सिंपल लंच बनेगा, हरी मिर्च, दाल, चावल, रोटी। तो सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा लगता है सब खाने में। तो ये आप लोगों को याद होगा, हमने एक वीडियो में शेयर किया था कि हमने इस गेट के ऊपर हनुमान जी की पंचमुख की तस्वीर यहाँ लगाई थी। देन आप लोगों के कमेंट्स भी आए कि हनुमान जी की पंचमुख की तस्वीर घर में नहीं लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर मैंने यहाँ से तस्वीर को हटा दिया हो। मैंने भी अपनी खुद की स्टडी की, रिसर्च किया, और पर्टिकुलरली एक आर्टिकल है speaking3.in पर, तो उसके मुताबिक भी सेम यही चीज है कि हनुमान जी की कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें वो युद्ध कर रहे हैं या अपने विकराल स्वरूप में है या अपना सीना चीर कर दिखा रहे हैं, ऐसी कोई भी तस्वीर आपको यहाँ पर नहीं लगानी चाहिए अपने घर में। और इसके अलावा अगर वो संजीवनी लेकर जा रहे हैं तस्वीर में, तो वो तस्वीर भी आपको नहीं लगानी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि हनुमान जी आपके घर में स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, उड़ रहे हैं। राइट, इसका मतलब ऐसी तस्वीर हम लगा सकते हैं जिसमें कि भगवान जी की पॉजिटिविटी झलक रही हो, जैसे कि वो श्री राम जी की सेवा कर रहे हो, या खुद ऐसा लग रहा हो वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें हमें अपने घर में लगानी चाहिए। राइट। एंड दूसरी चीज ये भी है कि जब आप लोगों के कमेंट्स आ चुके थे तो मन में डाउट एंड कंफ्यूजन घुस ही चुका था, तो उसके बाद फिर तो कुछ ना कुछ करना ही था, मतलब वहां से तस्वीर को हटाना ही ठीक था, क्योंकि मन में कंफ्यूजन लेके मतलब वो चीज ठीक नहीं है। सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, शंका का समाधान जरूरी है, शंका का समाधान जरूरी है, जैसा कि रमा जी ने बोला। एंड देखिए अभी हम जिस पोजीशन पर खड़े हुए हैं वहां पे लिखा हुआ है, अभी आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं सीधा पढ़ के बता देता हूँ, लव इज ब्यूटीफुल। सबको देखने का है क्या? उल्टा दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारी चीजें होती है हम कैमरे में देखते हैं उल्टी दिखती है, मंदिर में स्वास्तिक बना है वो सीधा बना है, लेकिन आप लोग पूछते रहते हैं उल्टा है क्या, तो उल्टा नहीं है, कैमरे का इफेक्ट होता है। यस, सच में सही बोला तुमने। क्या बात, इसका मतलब हमारा मुंह भी उल्टा था। तुम्हारा मुंह उल्टा है अभी, क्या ना कैमरे में देख के सीधा दिखता है। अच्छा, चलो कम से कम वहां तो सीधा दिखता है। चलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए, बाय बाय बाय, जय श्री राम।